असम में एनआरसी को लेकर जारी है बवाल, सिलचर जा रही टीएमसी के सांसदों और विधायकों की टीम को एयरपोर्ट पर रोका। सिलचर की घटना पर सुलझी सियासत, ममता बनर्जी ने केंद्र पर निशाना साधा, बताया सुपर इमरजेंसी जैसा हालात। टीएमसी ने लगाया सिलचर में पार्टी नेताओं से बदसलूकी और धक्का मुक्की का आरोप, लोकसभा में पार्टी सांसद सौगत रॉय ने उठाया मुद्दा। सिलचर में अपने नेताओं को रोके जाने से टीएमसी आग बबूला, कल लोकसभा में विशेषाधिकार हनन नोटिस की तैयारी कर रही है पार्टी। असम के सिलचर में एनआरसी मुद्दे पर पश्चिम बंगाल सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, छात्र संगठनों ने फूंका ममता बनर्जी का पुतला। कोलकाता में ममता सरकार के खिलाफ बीजेपी का प्रदर्शन, एनआरसी को लेकर पश्चिम बंगाल के रुख पर जताया विरोध। एनआरसी को लेकर कांग्रेस ने भी सड़क पर खोला मोर्चा, कोलकाता में असम भवन के सामने विरोध प्रदर्शन। ममता के रुख पर कांग्रेस में उभरे बागी सुर, पश्चिम बंगाल में पार्टी के अध्यक्ष ने पश्चिम बंगाल सीएम पर निशाना साधा। अधीर रंजन चौधरी ने ममता को बताया अवसरवादी, कहा 2005 में टीएमसी नेता ने खुद उठाया था बांग्लादेशी घुसपैठ का मुद्दा। देखिए ममता बनर्जी खासकर एक अवसरवादी नेत्री है, तो ममता बनर्जी जो मुद्दा उठाते हैं वो मुद्दा के साथ साथ उनका अपना जो स्वार्थ वो स्वार्थ सम्मिलित है। असम में टीएमसी के राज्य अध्यक्ष दीपेन पाठक ने छोड़ी पार्टी, एनआरसी के मुद्दे पर ममता बनर्जी के बयान से थी नाराजगी। पूरे देश में एनआरसी की मांग ने जोर पकड़ा, असम के राज्यपाल ने सुरक्षा के लिहाज से बताया जरूरी। एनआरसी का काम जो है हर राज्य के अंदर किया जाना चाहिए, और मैं ये भी महसूस करता हूँ आज जो इतना समय यहाँ पर लगा है बाकी स्टेट में समय नहीं लगेगा। असम के राज्यपाल के बयान पर कांग्रेस नाराज, कहा संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को नहीं उठाने चाहिए ऐसे मुद्दे। देखिए गवर्नर की जगह एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन होती है, उस पद पे बैठने वाले इंसान को संविधान को लॉयल रहना चाहिए, किसी की पॉलिटिकल स्कीम के लिए काम नहीं करना चाहिए। यूपी में भी एनआरसी की उठी मांग, योगी के मंत्री ने कहा बहुत जरूरी है घुसपैठियों का पता लगाना। और मुझे लगता है कि लखनऊ क्या और कोई राज्य क्या, जब इतनी बड़ी तादाद में आ गए हैं तो हर तरफ होंगे और हर तरफ ही हर राज्य में इसकी जांच होना चाहिए, एजेंसियां जांच करें, और ये देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मामला है। मुंबई के बीजेपी विधायक ने भी की एनआरसी की मांग, प्रशासन को घुसपैठियों की गिनती के लिए चिट्ठी लिखी। जहां जहां विदेशी घुसखोरी है जो देश को खतरा बने हुए हैं, ये राष्ट्रीय एकता का प्रश्न है और ऐसे तत्वों को आइडेंटिफाई करना चाहिए और ऐसे तत्वों को देश से बाहर निकालना चाहिए, ये राष्ट्रीय हित में है। देश भर में एनआरसी की मांग को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा, कहा चुनाव आते ही उठने लगते हैं ऐसे मुद्दे। इलेक्शन आ गए, जो प्रधानमंत्री जी ने वादे किए थे देश से, जब देश उनसे वो वादों के बारे में पूछ रहे हैं तो घबराहट हो रही है, दिक्कत हो रही है, पद जाता है, जो भी करना चाहते हैं कि किसी तरह पद से चिपके रहें। एनआरसी मुद्दे पर असम सरकार का सख्त रुख, बनिहाट बॉर्डर पर घुसपैठियों को रोकने के लिए बनाए गए नाके। लोकसभा में पास हुआ ओबीसी संशोधन बिल, दो हफ्ते में राज्यसभा से कराना होगा पास। कैबिनेट ने एससी एसटी प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटी बिल को अपना अप्रूवल दे दिया है और हम इसी सत्र में ही उस बिल को पारित कराना चाहेंगे और एक्ट के रूप में उसे कन्वर्ट करेंगे। एससी एसटी एक्ट पर लोकसभा में विपक्ष का हंगामा, कांग्रेस ने सरकार से की अध्यादेश लाने की मांग। विपक्ष की मांग पर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जवाब दिया, कहा संशोधन को कैबिनेट की मिल चुकी है मंजूरी, जल्द आ जाएगा बिल। एससी एसटी संशोधन बिल पर कैबिनेट की मंजूरी के बाद एससी एसटी मोर्चा गदगद, बीजेपी मुख्यालय में अमित शाह का स्वागत। जोर पकड़ रही है 2019 में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की मांग, चुनाव आयोग से मुलाकात की तैयारी कर रही है 17 विपक्षी पार्टियां। पेपर पूरी दुनिया में उसका इस्तेमाल हो रहा, वही कंटिन्यू करना ये सबकी इच्छा है।
बेटियों से अत्याचार पर उबला बिहार, लेफ्ट और आरजेडी के बंद के दौरान कई जगहों पर हंगामा। पटना में प्रोटेस्ट मार्च के दौरान बवाल, प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच झड़प हुई। छपरा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की गाड़ी रोकने की कोशिश, पुलिस ने जैसे तैसे प्रदर्शनकारियों को हटाया। जहानाबाद में बिहार बंद के दौरान महिला पुलिस और बंद समर्थकों में नोकझोंक, सड़क जाम हटाने के दौरान हंगामा। मधुबनी में भी दिखा बंद का असर, आरजेडी और लेफ्ट कार्यकर्ताओं ने ट्रेन के ऊपर चढ़कर किया प्रदर्शन। 4 अगस्त को दिल्ली समेत पूरे देश में होगा आरजेडी का हल्ला बोल, मुजफ्फरपुर कांड पर नीतीश से जवाब मांगी पार्टी। मंत्री जी की चुप्पी को हम लोग तोड़वाएंगे और ये बिहार से लेकर के हम लोग परसों हम लोग जंतर मंतर दिल्ली में भी प्रदर्शन हम लोग करने का काम करेंगे। सामने आई नीतीश और लालू के साथ मुजफ्फरपुर कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर की तस्वीरें, दोनों पार्टियों ने सफाई दी। मुजफ्फरपुर कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के दूसरे शेल्टर होम पर छापेमारी, कई आपत्तिजनक चीजें बरामद। मुजफ्फरपुर कांड के मास्टरमाइंड ब्रजेश ठाकुर के खिलाफ बिहार सरकार की सख्ती, 30 संगठनों को ब्लैकलिस्ट किया। कर्नाटक के हुबली में कई संगठनों का प्रदर्शन, अलग राज्य की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे लोग। यूपी संपत्ति विभाग को सौंपी गई अखिलेश यादव के बंगले की जांच रिपोर्ट, 5 लाख के नुकसान का अनुमान। संसद परिसर में मोदी सरकार के खिलाफ पंजाब के कांग्रेस सांसदों का प्रदर्शन, एससी छात्रों की स्कॉलरशिप जारी करने की मांग। डीएम के चीफ करुणानिधि की सेहत में सुधार, केरल के सीएम पी विजयन ने चेन्नई के अस्पताल में मुलाकात की। मराठा आरक्षण के मुद्दे पर महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने बैठक बुलाई, कई जानी मानी हस्तियां शामिल हुई। पुणे में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शन, मंत्री गिरीश बापट के दफ्तर के सामने मराठा क्रांति मोर्चा का आंदोलन। इमरान खान के शपथ ग्रहण को लेकर सुब्रमण्यम स्वामी का हमला, कहा भारत में शामिल होने वालों को माना जाए देशद्रोह। सिद्धू को न्योते पर शिवसेना ने भी जताया विरोध, का पूर्व क्रिकेटर को नहीं जाना चाहिए पाकिस्तान। अपने शपथ ग्रहण में किसी विदेशी नेता को न्योता नहीं देंगे इमरान खान, तहरीक इंसाफ पार्टी का दावा, बेहद साधारण होगा समारोह। गुरुग्राम में एक मुस्लिम युवक की दो लोगों ने जबरन काटी दाढ़ी, आरोपियों ने कहा तुम पाकिस्तानी। गुरुग्राम केस में पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, धार्मिक भावनाएं भड़काने समेत कई धाराओं में मुकदमा दर्ज। महाराष्ट्र के वाशिम में आरक्षण की मांग को लेकर प्रदर्शनकारियों ने आगजनी की, कई लोगों ने कराया मुंडन। अमरावती में मराठा आरक्षण को लेकर प्रदर्शन के दौरान एक शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश, पुलिस ने जान बचाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वीकार किया इमरान खान का न्योता, कहा यह मेरे लिए सम्मान की बात। नवजोत सिद्धू ने जमकर की इमरान खान की तारीफ, कहा वो एक ईमानदार शख्सियत, उनका इरादा साफ। सरकार कोई अच्छी नहीं कोई बुरी नहीं, सरकारें चलाने वाले लोग अच्छे बुरे होते हैं, उनकी सोच अच्छी बुरी होती है। जो पहले थे वो चले गए, एक नया युग होगा। कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों से मुठभेड़ में 2 हिजबुल का आतंकवादी ढेर, जवानों से राइफल छीनने की वारदात में शामिल थे। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने लूटा बैंक गार्ड की राइफल छीनकर फरार हुए। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में स्कूल के अंदर छात्र पर चाकू से हमला, दूसरे छात्र ने किया वार। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में बेकाबू रफ्तार स्कूल बस का कहर, साइकिल से जा रहे पति पत्नी को पीछे से रौंदा, दोनों की मौके पर मौत। गुरुग्राम में सड़क हादसे के बाद फटा लोगों का गुस्सा, गुस्साए लोगों ने स्कूल बस में तोड़फोड़ की। अजमेर के मशहूर स्कूल में छात्र से मारपीट और यौन हिंसा मामले में जांच तेज, 11वीं के छात्र ने 12वीं के छात्रों पर आरोप लगाया। पश्चिम बंगाल के बुर्दवान में नकली सीमेंट बनाने के कारखाने का पर्दाफाश, मालिक और मैनेजर गिरफ्तार। पूर्वी दिल्ली के मधुविहार में कुरियर कंपनी के स्टाफ से 12 लाख की लूट, वारदात के बाद बाइक वाले बदमाश फरार। नोएडा में 13 साल की बच्ची से हैवानियत, दोनों आरोपी नाबालिग, पुलिस ने बाल सुधार गृह भेजा। हरियाणा के सोनीपत में बुलेट तेज चलाने का विरोध करने पर युवक की हत्या।
पानीपत में लूटपाट के दौरान बदमाशों ने बुजुर्ग को मारी गोली, 20 लाख कैश, 15 लाख की ज्वेलरी लेकर फरार। मथुरा में पेट्रोल भरवाने के दौरान बवाल, आपस में भिड़े दो युवक, सीसीटीवी में तस्वीरें। गाजियाबाद में पुलिस और वकीलों के बीच जमकर बवाल, मारपीट के एक मामले में कार्रवाई नहीं होने को लेकर तनातनी। उन्नाव में स्कूल जा रही नवीं की छात्रा को ट्रक ने रौंदा, गुस्साई भीड़ ने आगजनी की। बिजनौर में दिल्ली पौड़ी हाईवे पर पलटी बस, हादसे में 3 नेपाली यात्रियों की मौत। हरियाणा के मेवात में 10वीं के छात्र की गोली मारकर हत्या, इलाके में तनाव का माहौल। हैदराबाद के निजी स्कूल में जानलेवा हादसा, शेड गिरने से 2 छात्रों की मौत, कई घायल। अंडमान में समुद्र की लहरों के बीच फंसा जहाज स्वराज द्वीप, क्रू मेंबर समेत 345 लोग सवार, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। हरिद्वार में पानी लेकर गंगा नहर में उतरे कांवड़िए की फंसी जान, बचाव टीम ने रस्सी और ट्यूब के सहारे रेस्क्यू किया। कानपुर में मूसलाधार बरसात से टापू में तब्दील हुए शहरी इलाके, अस्पतालों और स्कूलों में भी भरा पानी। वाराणसी में गंगा के उफान में समाये 84 घाट, शवों के अंतिम संस्कार में भी मुश्किलें आईं। भदोही में भारी बारिश का कोहराम, नहर टूटने से बाढ़ के हालात, कई गांवों में पानी भरा। मध्य प्रदेश के पन्ना में बारिश में उफनाए नाले ने बढ़ाई गांव वालों की मुसीबत, करीब 300 लोग पानी से घिरे। असम के बारपेटा में 2 दिनों से हो रही बारिश से हाहाकार, करीब 15 गांवों में कमर तक पानी भरा। झारखंड के गढ़वा में बाढ़ में डूबा मंदिर, पुल समेत सैकड़ों एकड़ खेत भी लबालब। आम्रपाली ग्रुप के अधूरे प्रोजेक्ट पूरा कर सकता है एनबीसीसी, 30 दिनों में पूरा प्लान सौंपने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट ने शहरी विकास सचिव और एनबीसीसी को लगाई कड़ी फटकार, कहा बगैर हमारी जानकारी कैसे बनाई योजना। आम्रपाली ग्रुप को भी लगी कोर्ट की फटकार, कहा आम्रपाली ग्रुप की कारगुजारी पूरी तरह गंदी और अनुचित थी। इस साल देश की विकास दर 7.5% के आंकड़े पर रह सकती है, मॉर्गन स्टैनली ने अनुमान जताया। अप्रैल जुलाई में कोल इंडिया का उत्पादन 14% बढ़ा, 117 मिलियन टन कोयले का उत्पादन। 365 रुपए की गिरावट के साथ 30,435 रुपए प्रति तोला हुआ सोना, चांदी 50 रुपए की गिरावट के बाद 39,000 रुपए प्रति किलो। 356 अंकों की गिरावट के साथ 37,165 पर बंद हुआ सेंसेक्स, निफ्टी 101 अंक गंवाकर 11,244 पर बंद। पहली तिमाही में ओएनजीसी का मुनाफा 4.5 साल के उच्चतम स्तर पर पहुंचा, 58% बढ़कर 6,144 करोड़ रुपए रहा प्रॉफिट। एचआईवी और परिवार नियोजन के क्षेत्र में काम के लिए अनुन्दिता हेल्थ केयर को मिला अवार्ड, स्वास्थ्य मंत्री ने सम्मान दिया। नकली सामानों के खिलाफ निजी कंपनियों ने चलाई मुहिम, प्रयाग पॉलीमर्स ने कई जगह छापेमारी के बाद कराई एफआईआर। एडमास्टन टेस्ट में कप्तान विराट का अकेला संघर्ष, 186 रन पर भारत के 8 खिलाड़ी लौटे पवेलियन, 70 रन बनाकर कोहली क्रीज पर मौजूद। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज सैम करन की घातक गेंदबाजी, विजय धवन समेत 4 खिलाड़ियों को भेजा पवेलियन, एंडरसन ने 3, स्टोक्स ने 2 विकेट लिए। दिल्ली के वसंत वैली स्कूल में इंटर स्कूल आज तक हिंदी वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन, 20 स्कूलों के छात्र कर रहे हैं शिरकत। फ्लोरिडा में साथ साथ घूमते दिखे रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण, छुट्टी मनाने का वीडियो वायरल। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।